Good afternoon, students. Now, I want to continue your topic, that is interconversion of states of matter, by particular definitions of the method. The first topic is, the first part is, ke when a solid changes into a liquid, hum us process ko kehte hain melting, aur usko hum fusion bhi kehte hain. Uska dusra naam fusion bhi hai. When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. बिल्कुल उनका जो restricted movement होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि liquid state में हमें पता है कि particles जो होते हैं वो free to move कर लेते हैं, easily freely move कर लेते हैं. Then at a particular temperature, the solid melts. एक particular temperature पर solid melt होता है और change हो जाता है liquid में. The process of melting is also known as fusion. The temperature at which a solid melts, उसको हम कहते हैं उसका melting point. And the melting point of ice is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. In my other videos, I will explain you how to convert the temperature into Fahrenheit, degree Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into degree Celsius. I will explain you. First, you understand this topic, that is melting. So, I think aapko melting samajh aa gaya hoga. Melt matlab pighalna aur बर्फ का जो टेम्परेचर होता है जिस पर वो पिघलता है वो है 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. अगर हम 1 kg आइस ले लेते हैं और उस आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने पर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हमारे रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशंस में जितनी एनर्जी लगेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. जो बीकर यहां पर दिखाया गया है उसमें जो है वो बर्फ है और आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली 100 डिग्री सेल्सियस दिखा, वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है. यू कैन सी दिस इज द पॉइंट जहां पर वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है. दिस इज द पॉइंट जो मेरी फिंगर के पास है, ये आपको 0 दिख रही होगी. दिस इज द पॉइंट, यहीं तक टेम्परेचर रिफ्लेक्ट हुआ है स्लाइड में. सो यू कैन सी, तो वॉट इज द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है कि जब एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है. थैंक यू.